गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो टेंस की सीरीज चल रही थी उसमें जो अगला पार्ट है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें बताया जाता है प्रेजेंट का कोई ऐसा काम, प्रेजेंट की कोई ऐसी बातें जो एक्चुअली में पूरी हो चुकी है, वो काम ख़त्म किया जा चुका है। पहले हमने कंटिन्यूस में पढ़ा था कि जो काम था वो कंटिन्यू रहता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। देखते हैं हम कैसे, तो क्या पहचान है, कैसे हम इस चीज़ को कवर करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो द नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के सेंटेंसेस की हिंदी अगर हम करें, जो इंग्लिश में ये सेंटेंस है यदि हम उसकी हिंदी बनाते हैं तो हिंदी बनाने पर क्या होगा, हिंदी बनाने पर हमें पता चलेगा इस टेंस के सेंटेंसेस की हिंदी बनाने पर जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ आदि आता है, यानी इनमें से कोई चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी अंत में यदि हम हिंदी की बात करते हैं। या हम ये कहते हैं कि हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो हम पहले ये देख लेंगे कि लास्ट में क्या रहा है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ आदि आ सकता है। देन जैसे रमेश एक कार खरीद चुका है, यानी रमेश ने कार को खरीदने का टाइम जो रमेश जो कार को खरीद चुका है, वो तो प्लानिंग नहीं कर रहा है, वो खरीद चुका है। ओके, क्या फॉर्मेशन होती है, देखिए जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में आएगा हैज़ या हैव आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हमने पढ़ा पाया यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और हैव है, जो हैव है वो आएगा सब्जेक्ट, या तो आई होना चाहिए या कोई भी प्लूरल, जैसे यू, यू को हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो जो यू हो सकता है वहाँ पे दे हो सकता है, इस तरह के जो है वो प्लूरल हो सकते हैं, या जो हैज़ है हेल्पिंग वर्ब वो आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, देखिए सीता एक मैच खेल चुकी है, अब जो सीता है वो यहाँ पर एक है तो सीता के साथ हैज़ आएगा, सीता हैज प्लेड अ मैच, ये हो गया आपका। आगे देखिए, मैं एक कार खरीद चुका हूं, तो मैं यानी कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, ये आएगा आई हैव, खरीदने के लिए यहां पे आप परचेज लिख सकते हैं, आई हैव परचेज्ड अ कार, ओके, आई हैव परचेज्ड अ कार। और जब सेंटेंस जो नेगेटिव होंगे तब जो फॉर्मेशन है उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या बनावट हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सब्जेक्ट हैज या हैव, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा उसके साथ, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखें, डन। तो सब्जेक्ट है, फिर हैज या हैव, दोनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखें, इन्हीं को बनाकर देखते हैं। सीता एक मैच नहीं खेल चुकी है, ये लिख देता हूं, तो यह आ जाएगा सीता हैज नॉट प्लेड अ मैच, ये हो गया। यदि हम दूसरे को बनाएं तो मैं एक कार नहीं खरीद चुका हूं,
ओके ठीक है, तो मैं एक कार नहीं खरीद चुका, आई हैव नॉट परचेज्ड अ कार। देखिए कुछ सोचते कि आपने यहां पे जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं लिख दिया, तो ये आदि का क्या मतलब है? आदि का मतलब है कि सेंटेंसेस में कुछ और कंडीशन हो सकती है जिसका मतलब वही निकलता है। जैसे हम आमतौर पर ऐसे नहीं कहते कि मैं एक कार नहीं खरीद चुका हूं, ऐसे हम कहते नहीं, हम क्या कहेंगे, मैंने एक कार नहीं खरीदी है। ठीक है, तो मैं कार नहीं खरीद चुका हूं, हम इसको हिंदी में आमतौर पर ऐसे कहते हैं कि मैंने कार नहीं खरीदी है, जिसकी सेंस यही है कि मैं कार नहीं खरीद चुका हूं। तो मैंने कार नहीं खरीदी है, इसकी भी इंग्लिश क्या होती है, आई हैवंट परचेज्ड अ कार। इस चीज का ध्यान दें, इसलिए मैंने यहां पे आदि लिखा है। और क्योंकि हम बिल्कुल इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं कार नहीं खरीद चुका हूं, कैसे बोलते हैं, मैंने एक कार नहीं खरीदी है, तो आई हैवंट परचेज्ड अ कार। ओके, अब इंटरोगेटिव में देखिए, इंटरोगेटिव में क्या होगा, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, इसमें आ जाएगा सबसे पहले हैज या हैव में से हम एक लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा जो भी, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके देखिए, तो अब मैं इन दोनों की यहाँ पर सीधे इंग्लिश ही लिख देता हूँ, या आप चाहे तो हिंदी लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे क्या सीता एक मैच खेल चुकी है। तो यहां हो जाएगा हैज सीता प्लेड अ मैच। दूसरा देखिए, क्या मैं एक कार खरीद चुका हूँ, या ये ऐसे भी हो सकता, क्या मैंने कार खरीदी है, तो क्या हो जाएगा, ये हैव आई परचेज्ड अ कार, हैव आई परचेज्ड अ कार। तो इस तरह से आप इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके बताएं, वीडियो आपको कैसे लगा वो भी आप कमेंट में करके बताएं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।